कल बिहार में शपथ ग्रहण होगा। 3 बजे नवी बार सीएम पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार। जी हाँ, यही अपडेट है बिहार से कि कल एक बार फिर से शपथ ले सकते हैं नवी बार, और उनके साथ 2 डिप्टी सीएम भी होंगे। तो ये खबर और ये तस्वीर अब बिल्कुल साफ है। तेजस्वी यादव ने भी अब अपने बयान में कह दिया है कि हमने बहुत कोशिशें की कि सरकार ना गिरे, जो हमारा फर्ज सामने निभाया, पर ऐसा नहीं हो सका। बिहार में सरकार बदलने वाली है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन सरकार जदयू और राजद की नहीं बल्कि भाजपा और जदयू की होगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने आज राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर से मुलाकात की। हालांकि उन्होंने इस मुलाकात की वजह किसी और अन्य आयोजन को बताया। उन्होंने कहा कि वो किसी अन्य आयोजन के लिए उन्हें आमंत्रण देने पहुंचे थे। लेकिन अगर सूत्रों के हवाले से आपको हम खबर बताएं तो आज रात तक नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपना समर्थन दे देगी। उधर लोजपा के जो अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, उन्होंने भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है इस गठबंधन को लेकर। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी अमित शाह से मिले हैं। बिहार भाजपा के प्रभारी विनोद तावड़े राजधानी पटना पहुंचे हैं, और कहीं ना कहीं बीजेपी में भी जो है बैठकों का दौर चल रहा है, जेडीयू में भी। ऐसे में बिहार के स्थानीय नेताओं के साथ भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है उनकी बैठकें हुई। उसमें तय किया गया कि 2020 के फॉर्मूले पर भाजपा सरकार में शामिल होगी, यानी नीतीश कुमार ही बिहार में अगले विधानसभा चुनाव तक सीएम बने रहेंगे। उधर राजद कोटे के मंत्रियों ने अपने तय कार्यक्रम को रद्द कर दिया। सभी मंत्री अपने विभागीय कार्य निपटाने लगे। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह, उन्होंने 20 भाजपा विधायकों के अपने साथ संपर्क में होने का दावा भी किया है। नीतीश कुमार ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राजद सुप्रीमो लालू यादव के फोन कॉल उठाने बंद कर दिए हैं। हालांकि खड़गे जो है वो नींद में, वो कह रहे हैं अभी सब कुछ ठीक है, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है बिहार में। बिहार के हालत पर खड़गे लालू में बातचीत हुई। रविवार को दोपहर 3 बजे नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण हो सकता है, सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है। इसके बाद बीजेपी विधानसभा अध्यक्ष का पद अपने पास रखेगी, और राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की तरह जैसा कि अभी विधानसभा चुनावों में इन प्रदेशों में जीत मिली, तो यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो 2 उपमुख्यमंत्री बना सकती है। तो ये बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि हम आपको बता दें कि आरजेडी के बाद अगर बिहार में सबसे बड़ा समर्थन किसी के पास था तो वो भारतीय जनता पार्टी का था। दोनों में एक ही सीट का अंतर था, तो आरजेडी के पास ज़्यादा सीटें थी और बीजेपी के पास सिर्फ एक ही सीट कम थी। और इस समय जो नीतीश कुमार हैं वो किंग मेकर की भूमिका में हैं, और इसे ही लेकर वो बार बार पाला बदल रहे हैं। लेकिन हमारा ये मानना है कि अगर इस बार ये जो पलटी खाई है नीतीश कुमार ने, ये उनकी अंतिम पलटी होगी। इसके बाद वो पलट नहीं सकेंगे, वो कहीं और जा नहीं सकेंगे, और जो वो सरकार बना रहे हैं। तेजस्वी यादव ने भी आज अपने स्टेटमेंट में कहा कि उन्होंने भरपूर कोशिशें की कि भारतीय जनता पार्टी, माफ़ कीजिए, उन्होंने भी ये कहा कि उन्होंने पूरा जो है वो पूरी कोशिश की अपनी तरफ से कि ये जो गठबंधन है ना टूटे और सरकार निर्बाध चलती रहे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब नीतीश और भारतीय जनता पार्टी जो है वो आपस में बातचीत कर रहे थे। काफ़ी समय से नीतीश कुमार के कुछ ऐसे बयान आ रहे थे जिस पर हमने आपको बहुत पहले ही कह दिया था, जैसे एक बहुत कुछ समय पहले उन्होंने एक बयान दिया था कि मुझे प्रधानमंत्री मोदी का फ़ोन नहीं आया। इसके भी कई सियासी मायने निकाले जा रहे थे कि जिस दिन भी अगर उनकी प्रधानमंत्री से बात हो जाएगी तो तुरंत इंडी गठबंधन को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। एक बार यही हुआ है, ना सिर्फ इससे इंडी अलायंस टूटा है बल्कि बिहार की जो राजनीति है, बिहार की जो सियासत है, उसमें भी बड़ा भूकंप आ जाया है। लेकिन ये भूकंप लाने के बाद भी नीतीश कुमार की स्थिति तो वैसी की वैसी ही रहेगी, क्योंकि वो किंग मेकर की भूमिका में है। तो अगले विधानसभा चुनावों तक बिहार के मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही रहने वाले हैं, उनके साथ 2 उपमुख्यमंत्री होने वाले हैं, उपमुख्यमंत्रियों के चेहरे बदलने वाले हैं, और बिहार की सियासत पर ये बड़ा अपडेट सूत्रों के हवाले से, बड़ी खबर। इस पूरे मामले पर आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, और इस तरह बार बार ये पलटी खाना इनका कहां और कितना जायज है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।